आजकल फिल्में तो हर कोई देखता है, लेकिन यह फिल्में हमें कितना वास्तविकता का बोध कराती हैं, कभी हमने यह जानने की कोशिश की है? आज के समय में न जाने कितने प्रोडक्शन हाउस खुल गए हैं, रोज एक न एक मूवी हमें देखने को मिल ही जाती है, लेकिन कुछ काल्पनिक होती हैं तो कुछ रियल स्टोरी पर बेस्ड। अगर हम फिल्मों के शौकीन हैं तो पाएंगे कि कई सारी ऐसी मूवीज बनी हैं जिनका आधार हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जिनमें न केवल स्टूडेंट्स लाइफ को फोकस किया जाता है बल्कि एग्जाम प्रेशर को भी कई सारी मूवीज में दिखाया गया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये फिल्म्स जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको यह मूवी जरूर से जरूर देखनी चाहिए। हमारी पहली मूवी है। जब भी हम किसी ऐसे फिल्म के बारे में सोचते हैं जिसने हमारी एजुकेशनल सिस्टम के खिलाफ जाकर अपनी स्टोरी प्लॉट की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जिस एक मूवी का नाम आता है वह है नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म तारे जमीन पर, जिसमें ईशान के पेरेंट्स उसे खराब एकेडमिक परफॉर्मेंस के कारण उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। टीचर की हेल्प से वह कैसे इन कमियों को दूर कर पाता है यह देखना बहुत दिलचस्प है। उसका गाना तो आपने सुना ही होगा, थ्री इडियट्स। यह मूवी अगर आपने नहीं देखी तो क्या देखा? कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियर बनने के लिए फोर्स करते हैं और कैसे वह सभी स्टूडेंट्स अपने सपनों की राह को छोड़कर एक ऐसी राह को चुनते हैं जिसमें वो कभी खुश नहीं हो सकते, यह सभी उस फिल्म का बेस है। इस फिल्म में तीन लोगों की दोस्ती दिखाई गई है, नाम तो याद ही होगा आपको, बताइए रैंचो, फरहान और राजू। अब तो याद आ ही गया होगा, और यह भी याद होगा कि कैसे रैंचो किसी और की आइडेंटिटी लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। मूल यही है कि अगर आपको किसी विषय में इंटरेस्ट है तो आप वह चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। आप में से कितने लोग इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेते हैं? हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं, यह इस बात को तय करती है कि आप कितने एजुकेटेड हैं। उसी मानसिकता को दर्शाते हुए फिल्म है इंग्लिश विंग्लिश, जिसमें श्रीदेवी ने हाउस वाइफ की भूमिका निभाई है, जिसे अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं आता, और केवल इसी वजह से उसे टिपिकल भारतीय महिला का टाइटल दे दिया गया है। फिल्म में हम कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल कर आगे बढ़ने की इसमें बात कही गई है। रिजर्वेशन सिस्टम की कड़वी सच्चाई पर आधारित फिल्म आरक्षण की कहानी बताती है कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने भोपाल के एक कॉलेज में छात्रों और कर्मचारियों के बीच दरार पैदा कर दी। सोशल पॉलिटिकल फिल्म भारत में सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण पर एक व्यंग है। दलित समुदाय के एक सदस्य और एक उच्च जाति के ब्राह्मण सहित भूमिकाओं के साथ यह देश विभाजनकारी जाति आरक्षण नीति के दोनों दृष्टिकोण को चित्रित करता है। शबाना आजमी और जूही चावला स्टारर फिल्म चौक एंड डस्टर प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम पर एक तंज है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह दो टीचर स्टूडेंट्स के कॉर्पोरेट करके उन्हें पढ़ाती हैं, और फिल्म इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे भारतीय शिक्षा प्रणाली में लालच और मुनाफाखोरी शिक्षण के महान पेशे को बर्बाद कर रही है। तो यह थी कुछ चुनिंदा फिल्म्स जिसे आप देखकर भारतीय शिक्षा प्रणाली का अंदाजा लगा सकते हैं। बॉलीवुड में ऐसी तमाम फिल्म्स मौजूद हैं जिन्होंने हम सबकी लाइफ को प्रभावित किया है या वह किसी अहम मुद्दे पर बेस्ड थी। आपको कौन सी फिल्म ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और चुनिंदा फिल्म्स। तब तक के लिए बने रहिए प्रभात प्रकाशन के साथ। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।